के जमाने में जब लिपन आटपट किया जाता था तो उसमें वो कांच के साथ साथ मिट्टी और ऊंट का गोबर मिला के कैमल डो मिला के एक मिश्रण तैयार करते थे। यू गाइस वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो फ्रॉम समिदा स्टूडियो। तो जैसा कि आपको पता है मैं हर बार किसी न किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। एक ऐसा आर्ट फॉर्म जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में हो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाती हूँ, जैसा कि हमने पिछवाई वाला पेंटिंग बनाया था। यदि नहीं देखा तो वीडियो के एंड में जाके देख लेना। और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है लिपन आर्ट, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो हर बार की तरह मैं किसी भी आर्ट फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ देती हूँ कि ये आर्ट फॉर्म आया कहाँ से है और किस तरह से किया जाता है ट्रेडिशनली। और यदि आप वो नहीं सुनना चाहते हो तो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते। लिपन काम, लिपन आर्ट या मड मिरर वर्क जिसे आप कहते हो, वो बेसिकली कच्छ गुजरात का एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जो वहाँ पे सालों से किया जा रहा है। इसकी कोई एज या ऐसा कोई सन नहीं है कि आप बता सकते हो कि ये आर्ट फॉर्म वहां से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इंडिया में अलग अलग प्रांत में अलग अलग जगह पे कई तरह के आर्ट फॉर्म होते आए हैं और अब भी हो रहे हैं। बेसिकली ये वाला आर्ट फॉर्म कच्छ गुजरात से बिलोंग करता है जो कांच में किया जाता है, और इसका एक सिमिलर आर्ट फॉर्म है जो राजस्थान से बिलोंग करता है जिसे हम लोग टिकरी आर्टवर्क कहते हैं। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कई बार लोग इसे एक ही आर्टवर्क समझते हैं, ये दोनों टोटली अलग आर्ट फॉर्म है। कच्छ के रण में रहने वाले लोगों ने इस आर्टवर्क को परंपरागत तौर से जिंदा रखा हुआ है और वो अभी भी इसे कर रहे हैं, लेकिन कंटेम्प्रेरी इंटीरियर्स में ये आर्टवर्क बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। पहले के जमाने में जब लिपन आर्टवर्क किया जाता था तो उसमें वो कांच के साथ साथ मिट्टी और ऊंट का गोबर मिला के कैमल डो मिला के एक मिश्रण तैयार करते थे जिसे वो लीपते थे, जैसा कि हम लोग कई बार रंगोली में गोबर लीपते हैं, गेरू लीपते हैं जिसपे मांडना या मंडला बनाया जा सकता है, वैसा ही पहले वो लीपते थे उस मिश्रण से और फिर उसके ऊपर वो आर्ट फॉर्म डेवलप करते थे। सर्कुलर फॉर्म बनाते थे, ऊंट बनाते थे, पेड़ पौधे पंछी फूल पत्तियां ऐसी सब चीजें वो बनाते थे। ज्यादातर ये आर्टवर्क उनके घरों के अंदर बनाया जाता था क्योंकि ये उनके घरों को ठंडा रखने का काम करता था रेगिस्तान में, और कई बार बाहर भी बनाया जाता था एज अ डेकोरेशन। तो इसका जो बेसिक आर्ट फॉर्म होता है वो सर्कुलर होता है, मेजरली सर्कुलर या स्क्वायर में होता है। तो उसमें कांच चिपकाते हैं और उसकी बॉर्डर बनाई जाती है जो कि वो इस मिश्रण से चिपका चिपका कर बनाते थे। और अभी के टाइम पे हालांकि ये सब चीजें यूज नहीं होती है, तो ज्यादातर अभी के टाइम पे मार्बल पाउडर यूज किया जाता है या क्ले यूज की जाती है। मार्बल पाउडर इसलिए क्योंकि ये काम ज्यादातर ट्रेडिशनली व्हाइट होता है, पूरा प्योर व्हाइट होता है। हालांकि टाइम के साथ चीजें बदलती है और अब ये काम भी है जो व्हाइट में होता आया है, इसमें कलर्स लोग यूज करने लगे हैं, काफी कलरफुल भी होने लगा है। यहाँ हमने लिपन का एक बहुत अच्छा काम किया था जिसमें हमने चार मंदिर के डोर्स बनाए थे, उसमें पूरा लिपन का काम किया था। मैं उसका फोटो यहाँ अटैच कर दूंगी। तब से ही मेरे दिमाग में था कि कहीं ना कहीं एक ना एक बार मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो यार, क्योंकि बाद में वीडियो में खो जाओगे और सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेराकोटा की मटकी जो नॉर्मली आपको किसी भी कुम्हार के यहाँ मिल जाएंगी वो मैंने ली है, और उस पर मैं सबसे पहले व्हाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ मैंने प्लास्टिक पेंट यूज किया हुआ है, आप चाहे तो जैसो यहाँ यूज कर सकते हो। एक्रेलिक यूज मत करना क्योंकि एक्रेलिक थोड़ा शाइन करता है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऐसे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म के बेस में आपको थोड़ा शाइनी कलर चाहिए, थोड़ा व्हाइट कलर अच्छा लगेगा। तो हमारी मटकी सूख के तैयार है, कलर सूख जाए उसके बाद ही सेकंड स्टेप पर जाना। यहाँ मैंने फेविक्रिल की क्ले ली है जो दो पार्ट में आती है, जिसे हमें बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से मिक्स करना होता है ताकि पूरी अच्छे से गुथा जाए और पूरा एक बन जाए। तो इसे मैं फटाफट से मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद मैं यहाँ कॉइल बनाना स्टार्ट कर दूंगी। यदि आप हाथ से बनाने में कंफर्टेबल हो तो आप हाथ से बना सकते हो, थोड़ा सा पाउडर यहाँ यूज कर सकते हो उससे थोड़ा आसान हो जाता है, और यदि आप हाथ से एक जैसी कॉइल नहीं बना सकते हो तो मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप लकड़ी का कोई टुकड़ा ले लो या फिर आप कोई पुष्टा ले लो, ऐसी कोई चीज जो एक जैसा बैलेंस पूरा बना सके कॉइल पे और आपकी पूरी कॉइल एक जैसी बने, वो आप कर सकते हो। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको जितना यूज हो मिट्टी का सिर्फ उतनी मिट्टी निकालना, वरना ये जब सूख जाती है तो किसी काम की नहीं रहती और फिर आप इसे बाद में रीयूज नहीं कर सकते। तो अब बारी आती है कॉइल चिपकाने की। तो यहाँ फेविक्रिल का ग्लू आता है, मैं वो यहाँ पर यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो फेविकॉल बहुत आसानी से यूज कर सकते हो यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। और अब बारी आती है कांच की। तो उसके लिए मैंने राउंड शेप के कांच लिए हैं, मार्केट में बहुत सारी वैरायटी के कांच अवेलेबल है, आप जो चाहे वो कांच यूज कर सकते हो यहाँ पे। और सच बता रही हूँ इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 से 4 दिन लगे हैं क्योंकि इतना बारीक होता है ना एक एक कांच चिपकाना,
फिर कॉइल बनाना, फिर उसे चिपकाना, फिर मिट्टी ना सूख जाए उसका ध्यान रखना, बहुत सारी माइन्यूट चीजें हैं जिसे आपको बहुत ध्यान रखना होता है। बट आपके लिए 10 से 15 मिनट का वीडियो मैंने बनाया है, थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज एंड तक देख लेना। तो फटाफट मैं अपनी मिट्टी को चिपकाने का काम पहले करूंगी क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सूख जाती है और हमने इतनी लंबी कॉइल बना के रखी है, इसे मैं सबसे पहले चिपकाऊंगी। उसके बाद मैं कांच का काम साथ में करते जाऊंगी, अलग अलग डिजाइन में आपको बताने वाली हूँ क्योंकि मेरे लिए आसान होता अगर मैं एक ही डिजाइन फॉलो करती, लेकिन मैं आपको 3 से 4 पैटर्न यहाँ दिखाना चाहती हूँ, यदि जिसमें से आप कोई एक भी पैटर्न बनाना चाहो तो आप बना सको। तो अब नाइफ की मदद से मैं यहाँ पर बारीक बारीक लाइंस बना रही हूँ क्योंकि मिट्टी गीली है, तब तक मैं इसमें काम कर सकती हूँ। एक बार सूख जाएंगे उसके बाद इसमें कोई काम नहीं कर पाऊंगी। और अब मैं एक बार फिर से कॉइल्स बना रही हूँ क्योंकि मिट्टी बनी हुई है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कॉइल का काम खत्म करना होगा। और अब मुझे जहां जहां नीड लग रही है कॉइल अप्लाई करने की, मैं वहां वहां इसे लगाते जाऊंगी। 2 तरह के कॉइल मैंने यहाँ अप्लाई करी हुई है, कहीं पे थोड़ी मोटी है, कहीं पे थोड़ी सी उसको मैंने पतला रखा है। डायमेंशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस वाले काम में। पहली बात तो यार, हम लोग इसे मटके पे कर रहे हैं तो ये वैसे ही थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी हो गया है, क्योंकि फ्लैट सरफेस पे करना फिर भी आसान हो जाता है क्योंकि एक चिकनी सरफेस मिल गई आपको समतल रूप से। यहाँ डायमेंशन है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ टाइप का मटका हो रखा है, वहां पर उसे हमको अप्लाई करना है, तो थोड़ा सा ये ट्रिकी पहले से ही है। सबसे पहला पैटर्न हम लोग यहाँ बना रहे हैं, उसके लिए मैंने स्क्वायर फॉर्म में जो कांच है वो लिए है। और सबसे ज्यादा ट्रिकी पता है इसमें क्या है, कि खड़ी सरफेस पे हमको काम करना है, तो मैं चिपका रही हूँ और ये बार बार नीचे गिरे जा रहे हैं, तो फिर उठा के फिर मुझे चिपकाना पड़ा है। हालांकि वीडियो में आपको इतना लंबा तो नहीं दिखा सकती, बट ये वाकई में बहुत ज्यादा ट्रिकी है। तो बेसिकली जहाँ हमने कांच चिपकाया है उसके बाहर की तरफ या अंदर की तरफ हम लोग कॉइल अप्लाई करते हैं, जिससे उसे एक बॉर्डर मिल जाती है और एक उभरा हुआ फॉर्म मिल जाता है। कई बार ना ये बहुत ज्यादा मोटी होती है और उसे हमें हाथ से दबा के बनाते हैं। यहाँ पे मैं वैसे नहीं कर रही हूँ क्योंकि यार मटके में बनाना मेरे लिए थोड़ा ज्यादा ही ट्रिकी हो गया है, और फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वैसा शेप दे सकूं। और अब मैं नीचे की तरफ एक सेंटर में गोल कांच अप्लाई करके उसके आसपास पत्तियों टाइप के जो कांच होते हैं ना वो अप्लाई करके एक फ्लावर का पैटर्न मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और इसके बाहर की तरफ ना मैं फिर से एक लाइन कॉइल की अप्लाई करूंगी। आप समझ ही गए होंगे कि ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम लोग यहाँ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। किसी भी आर्ट फॉर्म का करने का हर किसी आर्टिस्ट का तरीका टोटली अलग होता है। जो पैटर्न्स मैं यहाँ बना रही हूँ, जो डिजाइन मैं यहाँ बना रही हूँ, ये मेरी खुद की है और जो मुझे समझते जा रहा है कि उस सरफेस के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से जो मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से मैं कांच यहाँ यूज कर रही हूँ। कहीं छोटे कांच मैंने यूज किया है, कहीं बड़े कांच मैंने यूज किया है। आप इसी तरह से कीजिए, इसे जो आपको डिजाइन समझ में आ रहा है वो डिजाइन अप्लाई कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है जैसे कांच मैं लगा रही हूँ वही वाले आप लगाए, आप जो चाहे वो डिजाइन यहाँ बना सकते हो। यार यहाँ तक यदि आपने वीडियो देख लिया है ना तो प्लीज कमेंट करके बता देना और साथ ही साथ लाइक कर देना। यार आपके लाइक और आपके कमेंट ना मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और ये मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो एक पैटर्न यहाँ बनके तैयार है और फटाफट से मैं दूसरे पैटर्न पर लग चुकी हूँ काम करने के लिए। यहाँ मैंने सारे पत्ती वाले कांच यूज किए हैं और उससे मैंने पूरी लाइन बनाई है और दूसरी तरफ सेम मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ, पत्ती वाले कांच में अप्लाई कर रही हूँ और उसे मैं ऊपर की तरफ ले जाते हुए एक लाइन बना रही हूँ। ये बनाना ना मेरे लिए वाकई में चैलेंजिंग हो चुका है क्योंकि सरफेस फ्लैट नहीं है, खड़ी सरफेस पे मुझे कांच चिपकाना है जो बार बार टपकते जाते हैं, टेढ़े मेढ़े होते जाते हैं, बट फिर भी हम इसे करके रहेंगे। तो ये वाला जो कांच है मैं चिपका रही हूँ ना, ये मेरा सबसे फेवरेट टाइप का कांच का पैटर्न है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था ना तब से मेरा इस पर दिल आ गया था और इसका मैं एक सेकेंड पैटर्न यहाँ सेंटर में चिपका के बना रही हूँ। मैंने आपको जैसा कहा था कि मैं यहाँ पे 2 से 3 पैटर्न आपको बना के बताऊंगी, वो ही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये वाला पैटर्न लास्ट होने वाला है हमारा। अब फटाफट से मैं यहाँ राउंड वाले शेप के कांच चिपका दूंगी और सेंटर वाले पार्ट में मैं एक मोटी वाली, बिल्कुल मोटी वाली कॉइल चिपकाऊंगी और उसके बीच में मैं फिर से छोटे छोटे फ्लावर्स बनाऊंगी। तो हाँ जी महाराज, सेंटर वाला पार्ट हमारा बन के तैयार हो चुका है, ये देख लीजिए। अब बारी आती है मटके की गर्दन पकड़ने की। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर वाले जो कांच है वो पूरे एक जैसे चिपकाऊंगी पास पास में। तो यार मटके का जो बैक साइड है ना वो मुझे आधा दूरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हालांकि पूरा तो विजिबल नहीं है बट ये छोटा सा पार्ट ना दिख रहा है और वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और आधा अधूरा काम करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो फटाफट से गोल वाले कांच ना मैं पूरे चिपका दूंगी लाइन से,
अब चिपकाना तो आपको आता है तो इस स्टेप को हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो सबसे ऊपर वाले पार्ट पे मैं सबसे छोटा काच चिपका रही हूँ, इससे छोटा काच नहीं मिला यार मुझे, मेरे पास है ही नहीं, तो इसी से आज हम काम चला लेते हैं। इसे चिपका के इसे भी हम खूबसूरत बना देते हैं। तो मेरी कॉइल अच्छे से चिपक चुकी है, हमारे कांच अच्छे से चिपक चुके हैं, कॉइल पूरी तरह से सूख भी चुकी है, तो इस पे सफेद रंग हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। अब फटाफट से जितनी भी जगह मैंने कॉइल अप्लाई की है ना, जो अभी ग्रे ग्रे दिख रही है थोड़ी सी, उसको मैं पूरा प्योर व्हाइट कर रही हूँ, प्योर व्हाइट। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ रंग ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल इससे हम कलरफुल जरूर बनाएंगे। तो जी जो बेसिक सा लिप्पन आर्ट होता है ना, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, बस इसमें कांच को साफ करने की देर है। आप अच्छे से देख लीजिए कैसा दिख रहा है, क्योंकि बाद में इसका पूरा हुलिया चेंज होने वाला है। आप चाहे तो आगे वाला स्टेप स्किप कर सकते हो, बट मैं कहूंगी एक बार वीडियो देख लो, फिर जो आपका मन चाहे वो करना, चाहे तो सफेद छोड़ना, चाहे तो रंग कर देना। तो मैं आपको बता दूं, जो कलर्स यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ ना, वो सारे सारे के सारे कैंडी वाले कलर्स होने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट कैंडी वाले जो कलर्स होते हैं ना, मैं वो कलर यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। और इसके लिए जो मैंने कलर्स यूज किए हैं, वो कैमल के फैब्रिक कलर यूज किए हैं। चाहो तो इस वाले स्टेप में आप एक्रेलिक कलर यूज कर सकते हो, बट अभी भी वो थोड़े ज्यादा शाइन करते हैं, फैब्रिक कलर इतना शाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ फैब्रिक कलर यूज किए। तो सबसे पहले एक सॉफ्ट सॉफ्ट सा ग्रीन कलर यहाँ पे मैंने सी ग्रीन कलर अप्लाई किया है। सी ग्रीन के बाद मैंने थोड़ा सा पेस्टल वाला पिंक यहाँ अप्लाई किया है, थोड़ा पेस्टल ग्रीन यहाँ पर यूज कर रही हूँ। इस तरह के सारे पेस्टल कलर यहाँ मैंने यूज किए, सारे के सारे पेस्टल शेड्स है जो कैंडी में होते हैं ना यार, बहुत ही सुंदर लगते हैं वो मुझे, और वही मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। अब बहुत लाइट पर्पल यहाँ मैं यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो थोड़े ब्राइट कलर यूज कर सकते हो, बट मुझे ना ये पूरा ऐसा कैंडी टाइप का बनाना था पूरा लिप्पन आर्टवर्क को, क्योंकि ना इस तरह का लिप्पन आर्ट मैंने कभी भी नहीं देखा। जो भी यूज करते हैं ना कलर, बिल्कुल चटक कलर यूज करते हैं, और वो मैं नहीं करना चाहती थी, मैं वाकई में कुछ अलग करना चाहती थी। और अब मैं सारे के सारे कांच अच्छे से साफ कर दूंगी, और फाइनली फाइनली हमारी लिप्पन वाली मटकी बन के तैयार है। सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे इसे बनाने में ना बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, और उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, लाइक कर देना, और शायद अब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, और नहीं किया तो अभी कर लो। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलना। जब भी आप वीडियो शेयर करते हो, उससे मेरा चैनल और ज़्यादा ग्रो होता है, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है नए काम करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ अगले वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, सीताराम।